लेकिन एक कंडीशन यहाँ ये है कि अगर आपका मूड बदल जाता है, यानी या फिर आपने जो है बाय मिस्टेकली इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है और आपको अब ये अकाउंट वापस चाहिए, तो आप हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें, यानी कि हाउ टू परमानेंटली डिलीट योर फेसबुक अकाउंट इन 2023। अगर आपका कोई पुराना फेसबुक अकाउंट है और आप उसको यूज नहीं करते और आप चाहते हैं कि उस फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। बट अगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाना है। तो देखो यहां पे जो है मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया है। अब जो भी स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस आपको सिंपली से एज इट इज फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे थ्री लाइंस जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इसको लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। सिंपली से इसके अंदर आ जाओ, जस्ट इसके अंदर में एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग्स का। ठीक, इस सेटिंग्स के अंदर आ जाओ एंड यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन का। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर फिर ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का। जैसे ही आप इस ऑप्शन के अंदर आएंगे तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो यहां पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला जो है वो है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा जो है वो है डिलीट अकाउंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा आप समझ लो। डीएक्टिवेट अगर आप करते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट तो डिलीट हो जाएगा लेकिन आपका मैसेंजर अकाउंट रह जाएगा, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहां से आपका सारा डेटा जो है खत्म हो जाता है, आपका फेसबुक अकाउंट भी और आपका मैसेंजर भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम जो है डिलीट करने वाले हैं, तो यहां पे डिलीट अकाउंट को सेलेक्ट करके नीचे में जो ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, सिंपली से यहां पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एक रीजन चूज करो क्यों आप इसको डिलीट करने वाले हो, तो आपकी मर्जी, आप यहां से चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं एंड नीचे में ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, सिंपली से यहां पे क्लिक कर दो। अब देखो गाइस, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप जो अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हो वो फेसबुक आपसे बता रहा है कि यहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन चाहो तो डेटा चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे कह रहा है मैसेंजर, आप चाहो तो डिलीट करने से पहले अपने मैसेंजर अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर सकते हो। आप यहां कह रहा है सेव पोस्ट इन योर अर्चीव, आप अपने पोस्ट वगैरह को जो है अर्चीव करके रख सकते हो, बाद में आप उसको देख सकते हो। तीसरा जो है डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन, आपका जो भी डेटा इंफॉर्मेशन था वो सारा आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, आप इस इंफॉर्मेशन कहीं और भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर ये कह रहा है रिव्यू एप्स यू हैव लॉग्ड इन, अगर आप देखना चाहते हो कौन कौन वेबसाइट्स पे या कौन कौन एप्स पे जो है आपने इस फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया था वो सारा यहां से चेक कर सकते हो। तो आप चाहो तो इन डेटास को यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जो है यहां पे स्किप कर रहा हूं इसको एंड उसके बाद जो है सिंपली से यहां पे डिलीट अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा, तो सिंपली से आप जो है अपने फेसबुक का पासवर्ड यहां पे डाल दो। उसके बाद जो है नीचे कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है सिंपली से यहां पे क्लिक कर दो। अब देखो यहां पे एक मैसेज शो हो रहा है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, तो सिंपली से जस्ट इसके नीचे एक बटन दिख रहा है डिलीट अकाउंट का। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो कि डिस्प्ले पे जो एक मैसेज शो हो रहा है योर अकाउंट इज स्केड्यूल्ड फॉर परमानेंट डिलीशन। ठीक है, यानी कि आप देखो ये अकाउंट आपका जो है स्केड्यूल हो गया है परमानेंट डिलीट होने के लिए। लेकिन एक कंडीशन यहां ये है कि अगर आपका मूड बदल जाता है, यानी या फिर आपने जो है बाय मिस्टेकली इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है और आपको अब ये अकाउंट वापस चाहिए, तो आप जो है 30 दिनों के अंदर वापस इस अकाउंट को ला सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आपने डिलीट कर दिया तो अब ये वापस इस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि परमानेंट डिलीट किया हुआ फेसबुक अकाउंट को वापस रिकवर कैसे करते हैं। तो फिलहाल जो है ये अकाउंट अभी स्केड्यूल है, 30 दिनों तक ये ऐसे ही रहेगा। अगर 30 दिनों तक आपने कुछ नहीं किया तो ये अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा।
ठीक है गाइज, तो आपके पास 30 दिनों का टाइम है, आप सोच लेना, अगर आपने गलती से किया है तो आप इसको वापस से ले सकते हो। तो आई होप गाइज कि इस वीडियो में जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, तरीका बताया है, सब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कॉमेंट के रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ गाइस, आपके लिए सिर्फ यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।